दोस्तों जैसे बिग बॉस के दिन फाइनल के पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कंटेस्टेंट एक दूसरे के और ज्यादा दुश्मन होते जा रहे हैं, और एक दूसरे को कुछ भी कहने के लिए वो सोच नहीं रहे हैं, और एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए कोई मौका भी नहीं गंवा रहे हैं। तो जैसे कंटेस्टेंट आपस में भिड़ रहे हैं, वैसे ही बिग बॉस भी टर्न एंड ट्विस्ट ला रहे हैं अब गेम में। हर चीज में वो ट्विस्ट ला रहे हैं, चाहे नॉमिनेशन का टास्क हो या फिर टिकट ऑफ फिनाले का टास्क हो। दोस्तों जैसे कल की एपिसोड में हमने देखा कि प्रियंका और शिव की बहुत ज्यादा गंदी लड़ाई हो गई, और शिव को जब से सलमान खान ने वीकेंड के वार में कहा कि आप कुछ नहीं बोल रहे, पहले आपकी आवाज दिखती थी, अब आपकी आवाज नहीं दिखती है, तो उसके बाद शिव अब थोड़ा और खुल गए हैं और अपनी आवाज खुल के सामने ला रहे हैं। और हमने जैसे कि हमने प्रोमो में देखा कि बिग बॉस ने एक और ट्विस्ट लेकर आए हैं, वो रूम ऑफ 6 और रूम ऑफ 2 को हमेशा के लिए लॉक कर रहे हैं, और वो घर वालों को कह रहे हैं कि अब आप दो रूमों में शिफ्ट हो जाओ। तो सब घर वालों इसके ऊपर लड़ते हैं और बहुत ज्यादा बहस होती है, और खास करके रूम ऑफ 3 के लिए। और रूम ऑफ 3 के लिए दो लोगों जो जब सबसे ज्यादा लड़ते हैं वो है शिव ठाकरे और प्रियंका। प्रियंका कहती है कि मैं हम रूम ऑफ 3 में जाएंगे, वहीं शिव कहते हैं हम जाएंगे क्योंकि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, जो आप कहोगे वो नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कहासुनी हो जाती है। और प्रोमो में हमने यहाँ तक की देखा कि घर वाले अब बेड के लिए भी लड़ रहे हैं। पहले खाने के लिए लड़ाई तो बिग बॉस के घर में आम बात थी, लेकिन अब बेड के लिए भी लड़ाई हो रही है क्योंकि अब दिन पास आते जा रहे हैं। वैसे वैसे बिग बॉस में बहुत ज्यादा चीजें लड़ाई, बहुत ज्यादा चीजें अपनी लोग ओपिनियन देंगे, उस पर एग्री होगा नहीं होगा, तो बहुत चीजें देखने को मिलेगी। तो सभी घर वाले रूम ऑफ 3 में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तो यहीं रहेंगे, आपको जो करना है करो। प्रियंका कहती है कि हम तो बैठे रहेंगे पूरी रात, चाहे सोई ना, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो इसी बीच में बहुत सारी लड़ाई देखने को मिलती है शिव ठाकरे और प्रियंका के बीच में, क्योंकि दोनों अब खुल के आ रहे हैं, क्योंकि दोनों विनिंग मटेरियल हैं, इसीलिए दोनों अब खुल रहे हैं। और ये तो खुलने का टाइम होगा कि दोनों अपनी ओपिनियन पे खड़े हैं और दोनों कहीं से हटने को राजी नहीं है। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है कि बिग बॉस के ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न के बारे में, और कौन फाइनल तक जाएगा और कौन ट्रॉफी जीतेगा, ये भी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी।